नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जमुना घाट पे मथुरा नगरी 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 जहाँ कृष्ण लिहल अवतारायण हरि कृष्ण लिहल अवतारायण हरि ओ कृष्ण लिहल अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे राधे। जो ही माते राजा ने फिर जंगल में प्रवेश किए, जंगल में प्रवेश करने के बाद घोड़े को घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, राजा के कान से फिर एक सुरीली आवाज आए, राजा के कान में सुंदर सी आवाज टकराए कही आवाज कि जमुना घाट पे मथुरा नगरे जमुना घाट पे मथुरा नगरे जहाँ कृष्ण लिहल अवतारायण हरि कृष्ण लिहल अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। राजा ने देखे कि एक नाव पर बैठ कर के 25 वर्ष की युवती बड़े साधुता के साथ भगवान श्री कृष्ण के भजन को गा रही है। युवती जो गा रही थी भगवान के भजन को, राजा ने बाग को खींच करके ज्यों ही पहुंचे तो राजा देख रहे हैं कि माँ सुंदरी नाव की मांद पर बैठी है और एकदम अपने स्वर साधन में बैठ करके भागवत नाम को गा रही है। युवती से राजा ने आवाज लगाए, कौन हो? युवती ने पलट करके कही, आप कौन हो? राजा बोले कि हम हस्तिनापुर के राजा हैं, नाम है शांतनु। आप? बच्चिया बोली, कन्या बोली, हमारा नाम मछोत्री है, हम नाव चलाते हैं, नाव चलाना हमारा जीविका है, नदी से आने जाने वाले को आर पार किया करते हैं, आप इस देश के राजा हैं, हम आपके प्रजा हैं। राजा 4 बजे के समय बोले कि आप हमें पसंद हो, आपसे हम विवाह करने के लिए चाहते हैं, क्या आप तैयार हो? लड़की ने कही, कुमारी अवस्था में बचिया लड़की अपने बाप के अधीन, विवाह होने के बाद अपने पति के अधीन, अभी हम कुमारी अवस्था में हैं और हमारे बाप उस झोपड़ी में बैठ के माछ रोटी खा रहे हैं, आप जाकर के मेरे बाप से मिलिए, मेरे पिता से मिलिए, मेरे गार्जियन से मिलिए, मेरे पालनहार से मिलिए, वो यदि अनुमति दे देंगे हम विवाह के लिए तैयार हैं। जो ही राजा शांतनु पहुंचे, मल्लाह जो खोप झोपड़ी में बैठ के भोजन कर रहे थे, मल्लाह ने देखे कि मेरे देश के मालिक आए, दौड़ करके मल्लाह ने निकट पहुंचे, मालिक आपकी जय हो जय हो, और दौड़ करके चरण में गिरते हुए लगला गिर लगन भगवान में, 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 लगी लगी रे 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 लगन
लगिला गिरे लगने भगवान में। देश के राजा भगवान के संस्कार में होते हैं। आप मेरे भगवान हैं, इष्ट हैं। बोलिए मालिक आपका क्या कहना है, कैसे आज्ञा हुआ, कैसे आना हुआ। महाराज संतनु बोले, निषाद आपके पुत्री बड़ी सुंदरी है, बड़ी सुशील है, बड़ी लक्षणमान है, बड़ी गुणवंती है। हम चाह रहे हैं इनसे विवाह करने के लिए, क्या आप तैयार हो। निषाद ने कहा, मल्लाह ने कहा, महाराज एक निवेदन है, बोलिए। हम अपने पुत्री को आपको देने को तैयार हैं, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन यही कि मेरे ही पुत्री के गर्भ से जो बेटा जन्म ले वही हस्तिनापुर धरती के राजा बने। यदि मंजूर है तब तो आप बोलिए, हम तैयार हैं। मंजूर नहीं है, हम अपने पुत्री आपको देने के लिए तैयार नहीं है। महाराज शांतनु बोले, निषाद एक 22 वर्ष का बेटा हमको है, मेरे वंश का नियम है बड़े बेटे ही इस देश के राजा बनते हैं, और वह बेटा का नाम है देवव्रत, और वह हमारी पहली पत्नी का है। हम अपने वंश के विरोध कोई काम नहीं करेंगे, और हमारा बेटा बड़ा लायक है, बड़ा संस्कारी है, बड़ा होनहार है, और बेटे जो हैं वो बाप के नाम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कभी कभार विद्वानों ने भी कहे हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचो, अपूत सपूत तो क्यों धन संचो। बेटा यदि कुपूत हो तो धन जमा नहीं करना चाहिए, नहीं। बेटा यदि कुपूत हो धन जमा मत कीजिए, नहीं कीजिए। अब बेटा यदि सपूत हो तब भी धन जमा मत कीजिए। बेटा सपूत है तो धन को कमा करके उसमें लगा दीजिए, अच्छा पद प्रतिष्ठा दिला दीजिए, अच्छा जगह धरा दीजिए, बेटा आपको सम्मान करेंगे। बेटा यदि सपूत हो धन मत जुगाइए, अब बेटा यदि कुपूत हो तब पर भी धन मत जुगाइए, धन जुगा के रखिएगा। बेटा कहीं कुपूत होगा तो बोल दे वृंदावन प्यारी लाल की, कुपूत बेटा होगा तो सब काम गड़बड़ कर देगा। कहा राजा ने, बेटा सपूत है। राजा घर लौट गया, निंद नहीं क्यों। बाबा कबीर ने कहा, इमनमा बरा बेईमान, इमनमा बरा बेईमान, केकरो ने छोड़लक, अरे केकरो ने छोड़लक, केकरे ने छोड़लक साबिक ईमान, बनमा बरा बेईमान, केकरो ने छोड़लक, केकरो ने छोड़लक साबिक बेईमान, बनमा बरा बेईमान, केकरे ने छोड़लक, अरे केकरे नहीं छोड़लक, केकरे ना छोड़लक, केकरे नहीं छोड़लक साबिक ईमान, मनमा बरा बेईमान, केकरे ना छोड़लक, केकरे ना छोड़लक साबिक बेईमान, मनमा बरा बेईमान, अरे केकरे नहीं छोड़लक, केकरे ना छोड़लक साबिक बेईमान, मनमा बरा बेईमान, केकरे ने छोड़लक साबिक ईमान, मनमा बरा। राजा के मन मलिन, तन मलिन, संस्कार मलिन। देवव्रत को पता चला कि हमारे पिताजी को शादी की इच्छा है, और वह पिता लड़की के पिता ने कह दिए हैं कुछ प्रश्न। राज देवव्रत पहुंच गया, ज्यों ही जंगल पहुंचे नदी के किनारे निषाद राज से मिला। निषाद से पूछा गया, केवट भाई आपकी बच्ची को मेरे बाप ने पसंद किए, हाँ आप शादी के लिए क्यों नहीं तैयार हैं। निषाद ने कहा, मल्लाह ने कहा, हे युवराज एक बात है, कहे क्या। हमने आपके पिता के साथ शर्त रखे हैं कि यदि हमारे ही बेटी के गर्भ से जन्म लिए हुए बेटा हस्तिनापुर की धरती के राजा बने तब हम अपने बेटी को देने को तैयार है। भीष्म कहे, ए लड़का कहे, हाँ बस हाँ। तुरंत वही नदी के किनारे हाथ उठाए, आवाज लगाए, हे दसो दिशा है पवन देव, हे जलवायु और अग्नि देव, हे बन के देवी देवता, जितने बन के देवी देवता अग्नि जल वायु पवन
दसो दिशा है, सब मेरे बात को गवाह रहना। मैं पर्ण लेता हूं, सौगंध लेता हूं, इसी समय इसी वक्त अपने विवाह के पिता के सुख के लिए आजीवन कुमारा जीवन व्यतीत कर लेना है। जीवन में कभी शादी की इच्छा नहीं रखना है। जब तक जीना है हस्तिनापुर के लिए जीना है, मरना भी है तो हस्तिनापुर के लिए मरना है। अपने पिता के सुख के लिए हम अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर रहे हैं। इतने शब्द कह के निषाद को वचन दिए और अपना भावी माई को वचन दिए और पिता को बुलवा करके वही जमुना की घाट पे दूसरे विवाह करवाए। जो ही पिता के विवाह करवाए गए, पिता को मालूम हुआ कि हमारा बेटा ने आजीवन कुमारे रहने का वचन लिया है। बाप ने बेटा को माथा चूम करके कहा, जाओ इस संतनु आशीर्वाद देता है कि जब तुम्हारा मन होगा तब मरना, और जब तुम्हारा मन नहीं होगा तो तू नहीं मरेगा। इच्छा मृत्यु का हम तुमको वरदान देते हैं। 1000 बाण तुम्हारे देह में धस जाएगा लेकिन तुम मरेगा नहीं। जब ही तुम्हारा मन होगा तब ही मरेगा, ये वरदान हम तुमको दे रहे हैं। और जब पत्नी के साथ हस्तिनापुर पहुंचे, मालिक की दया, 1 वर्ष में महाराज संतनों को 1 बेटा जन्मा जिसका नाम रखा गया विचित्र वड़ी। 2रा बेटा जन्मा 2रे वर्ष, उसका नाम रखे महाराज संतनु चित्रांगद। चित्रांगद विचित्र वड़ी दोनों बच्चे जब बढ़ने लगे तो 12 वर्ष की उम्र में दोनों बच्चों को मुंडन करवाए गए। फिर गर्ग बाबा को आना हुआ और गर्ग बाबा अपने अग्रगण्य चेला को लेकर आए जिसका नाम था कृपाचार्य। गर्गाचार्य के अग्रगण्य चेले के नाम कृपाचार्य। वो सब के सब आए, संस्कार करवाए। जब 20 वर्ष के दोनों बच्चे हुए विचित्र वड़ी और चित्रांगद, तब तक मैं वैभीष्म हो गए 41 वर्ष के। एक समय महाराज शांतनु तीनों बेटे राज्यसभा में हैं और उसी समय नारद जी भजन गाते पहुंच गए। नारद जी गा रहे हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम नाम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम नाम नारायणम। अच्युतम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम नाम नारायणम। अच्युतम केशवम 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 कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम नाम नारायणम। लोग कहते कि भगवान खाते नहीं सबरी के तरह कोई खिलाते नहीं। लोग कहते कि भगवान खाते नहीं सबरी के तरह कोई खिलाते नहीं।
जो ही भगवान भजन को गाए नारद जी ने सष्टांग दंडवत किए। राजा ने तीनों लड़का ने आमने सामने संत हो, आमने सामने वैष्णव हो, आमने सामने आचार्य हो, आमने सामने विद्वान हो, आमने सामने ज्ञानी हो, तत्क्षण दंडवत करना चाहिए। राजा ने दंडवत किए, जो ही लड़के ने दंडवत किए, सबको नारद जी ने कल्याण होने का मंत्र दिए। सब बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी को आसन दिया गया, नारद जी बैठ गए, भोजन सामग्री करवाए, भोजन दिए गए, भोजन किए गए, दुग्ध पान करवाए। तब तक में कुछ एक देर के बाद संतनों ने पूछ दिया, भगवान बाबा आपका आना कैसे हुआ? नारद जी ने कहे, हे महाराज संतनों, हम अभी काशी से आ रहे हैं। काशी नरेश की बेटी का नाम है अंबा अंबे अंबालिका, अंबा अंबे अंबालिका। वो तीनों को हमने हस्तरेखा देखे, हस्तरेखा में लिखा है कि यही कन्या के गर्भ से जो बेटा जन्मेगा वो भारत के राजा बनेंगे। यही सोच के हम आए हैं कि भारत के हस्तिनापुर की धरती पर, धरती पे महाराज शांतनु हैं। जो ही कहे कि राजा बनेगा, तुरंत भीष्म ने अपने रथ को तैयार किए, घोड़े को जोते, सवार हो गए, बड़े तीव्र गति में पहुंच गए काशी। काशी में जाकर के वो जो रंग मंच पे तीनों कन्या बैठी हुई थी, भीष्म ने तीनों को उठा करके रथ पे बिठा लिया। वहां से लेकर के भीष्म पहुंच गए हस्तिनापुर, मंडप बनाए गए। मंडप में दोनों भाई को दुल्हा बनाया गया, विचित्र बड़ी और चित्रांगद का, और दो कन्या को विवाह करवाया गया, अंबा अंबे को, अंबा अंबे और विचित्र विडिज चित्रांगद, दोनों को एक एक पत्नी मिली। बच गई अंबालिका। अंबालिका ने कही, भीष्म आपने हमको हरण करके लाए हो, आप हमसे विवाह करें। भीष्म ने कहा, देखो हमने अपने पिता को वचन दिए हैं, माई को वचन दिए हैं, जब तक जीना है कुमारा जीना है, जब तक रहना है कुमारा रहना है, जब तक रहूंगा अपने कुमारी जीवन को, कुमारा जीवन को बिताऊंगा, हस्तिनापुर के लिए जीऊंगा। कहे तो आप हमको लाए हरण करके क्यों? कहे लाए तो चलिए घर पहुंचा देता हूं, फिर दोबारा आपके पिता के घर पहुंचा देता हूं। लेकिन कन्या जाने को तैयार नहीं। उसने बोली कि आप हमसे विवाह कीजिए। जब भीष्म तैयार नहीं हुए, अंत में वह कन्या अंबालिका जो थी वो पहुंच गई भीष्म जी के गुरु के निकट, जिनका नाम था परशुराम जी। परशुराम जी से शिकायत कर दी, बाबा आपका चेला ने हमें हरण करके लाए हैं और शादी के लिए तैयार नहीं है। भीष्म को आकर के परशुराम ने कहा, भीष्म तूने हरण करके लाए हो, सभा से लाए हो, बाप के घर से लाए हो, एकलंकित हो गई है, विवाह कर लो। भीष्म कहे, बोले नहीं। कहे तो नहीं करोगे विवाह, तो युद्ध करना होगा। भीष्म ने बोले, यदि गुरु की आज्ञा है तो युद्ध मंजूर है। एक दिन कौन कहे, पांच दिन कौन कहे, पंद्रह दिन कौन कहे, पच्चीस दिन कौन कहे, 28 रात 28 दिन तक युद्ध चले, रात और दिन। अंत में परशुराम का हार हो गया, भीष्म का जीत हो गया। जो ही भीष्म ने जीता, परशुराम जी हारे, उसी समय हुआ कन्या ने चिता बनाई, चिता बना के प्रवेश की, आग लगाई, आग लगा करके आग में प्रवेश करती हुई आवाज लगाती, भीष्म ये जन्म में तो हम आपके लिए, आपके नाम से, आपके ही कारण आग में जल रहे हैं, अगला जन्म हम लेने जा रहे हैं, अगला जन्म लेकर के हम आएंगे एक वीर रूप में, और अगला जन्म में जब हम आएंगे तो आपके मृत्यु के कारण हम ही बनेंगे। और वह तुरंत आग में कूद गई, आग में कूदने के साथ उनके मृत्यु हो गए, और वही कन्या अगला जन्म ले ली राजा द्रुपद के यहां, जिसका नाम पड़ा शिखंडी। राजा द्रुपद के घर जो जन्मी, जिनके नाम पड़े शिखंडी। और इधर का दृश्य देखा जाए, इधर के दृश्य में अब सबके सब राज्य राज्य में आनंद विभोर है। एक दिन की घटना घटे, विचित्र बड़ी शिकार खेलने के लिए हिमालय के गर्भ में गए। खेलने के क्रम में उन्होंने उन्हें गंधर्व के साथ भिड़ंत हो गए। 7 दिन की लड़ाई में गंधर्वों ने घेर करके विचित्र बड़ी को मार दिया। विचित्र बड़ी जब मारे गए
ये सूचना आठवें दिन पहुंचे हिमालय से हस्तिनापुर कि महाराज शांतनु आपके पुत्र विचित्र वीर्य गंधर्व के लड़ाई में मारे गए। बाप ने पहुंचा तब तक में गंधर्वों को मालूम हुआ इन्हीं के पिता के नाम शांतनु हैं, इन्हीं के भाई के नाम भीष्म हैं, जिनको परशुराम ने जिन्होंने परशुराम को हराए। जो ही सुने गंधर्व वहां से निकल पड़े और लाश को लाया गया। हां बाप ने बेटे को लाश को देख करके धरती पर गिरे और महाराज शांतनु के भी मृत्यु हो गई। बाप मर गए, बेटे मरे हैं, दोनों के लाश को जमुना के घाट पे जलाए गए। एक मां विधवा एक पुतौ विधवा घर आया गया, क्रिया करवाए किए गए। क्रियाकर्म के बाद समय गुजरने लगे। माँ संतप्त थी बेटे और पति की शोक में। रोज भीष्म शाम के वक्त भोजन करके माँ के कक्ष में रोज जाते, रोज मातृदेवो भव, रोज माँ के चरण में साष्टांग दंडवत करते, प्रणाम करते, सेवा करते। 15 दिन से भीष्म माँ के कक्ष में पहुंचते हैं। आज चित्रांगद को विचित्र वृज के छोटका भाई चित्रांगद जो राजा बना था, भाई के मरने के बाद, पिता के मरने के बाद शंका हो गया, हमारी माँ जवान, हमारा भाई जवान नित्य रात मेरे माई की कक्ष में जाता है, लगता है मेरे भाई मेरे माई के बीच में गलत संबंध है। चित्रांगद ने तलवार लेकर के गेट पे खड़े हो गए, चौकट पे खड़े हो गए। आज भीष्म निकलेगा, दो खंड कर देना है। रात के 11 बज रहे हैं। 11 बजे रात में भीष्म माई के कक्ष में हैं, पैर दबा रहे हैं। माई, अरे मोसे मोहम्मद मोसे मदीना, अरे मोसे होते हैं मार पगला, सबसे बड़ी है 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 मार। मोसे मोहम्मद मोसे मदीना, मोसे मोहम्मद मोसे मदीना, अरे मोसे होते हैं मारे पगला, सबसे बड़ी है 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 जोहिन। भीष्म ने माय के पैर को दबाते दबाते जब रात के 12 बजे माय के आंख में नींद नहीं, माय सोना के पलंग पर मखमल पर बैठी है, भीष्म अपना गमछा बिछा के चद्दर बिछा के नीचे में बैठ गया, माय के पैर को दबाता है। माय बोली, बेटा भीष्म नींद नहीं आ रहे हैं। भीष्म ने कहा, माय मन को ठीक कर। माय के चरण पकड़ के भीष्म कहता है, 12 बजे रात में सत्संग का फल विषय नहीं है, अरे छोड़ दे मान गुमान, आओ साधु शरण में। माय मैया सत्यवती जो थी, जिसको योजन गंधा भी कहे जाते थे, अपना नाम मछोत्री, माय के पैर दबा दबा के भीष्म कह रहा है 12 बजे रात में, चौकट पे खड़ा है छोटका भाई नंगे तलवार लेकर के, आज निकलेगा भीष्म, दो खंड कर देना है, क्योंकि इसका नियत और आचरण दोनों गलत है। भीष्म ने जब चरण चापना शुरू किया, बोला, माय
सत्संग का फल विषय नहीं है, अरे छोड़ दी मान गुमान, आओ बैठो साधु शरण में। मैया हंस रही है, आओ बैठो साधु शरण में, हो जाएगा कल्याण, आओ बैठो साधु शरण में, हो जाएगा कल्याण, आओ बैठो साधु शरण में, हो जाएगा कल्याण। भीष्म ने कहा, माय सत्संग कर ली से बुरी भेलनी प्रभु जी को रिझाई, हाँ सत्संग कर ली सबरी भेलनी प्रभु जी को रिझाई, सत्संग कर ली सबरी भेलनी प्रभु जी को रिझाई, हरि राम द्वार पे खड़े भये हैं जुठन पर खिलाई, राम द्वार पे खड़े भये हैं जुठन पर खिलाई, अरे राम द्वार पर खड़े भये हैं जुठन पर खिलाई, अरे राम द्वार पे खड़े भये हैं जुठन पर खिलाई। तनी देर आरो रुकिए न, बस हमू लिख जाइल छी जी, तनी एक रुकिए, सनातनी लोग न छी जी, निंदावे त जगह बदल दी, आ मन में विचार में हाथ पर कहे कलयुग बैठे ठीक बात, बुझ जाए चाहे कि अगला जन्म वाला कुसंस्कार हमरा दबाए रहले, बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की ओ छी भूत, बड़ा गड़बड़ छे, अपना त हिंदू छिए, मुसलमान जो होय छे मुसलमान ओ जब मस्जिद में जाय लगल त गेट पे बाहरे मस्जिद के बाहरे चुनौती खैनी बीड़ी सिगरेट सब के बाहर रख देलक, आ मुँह हाथ धोलक तब अंदर गेल, अंदर में बिल्कुल पाक साक, अपन अर केहन बदमाश छे, जखनिए सत्संग भजन होल तखनिए बोल दे वृंदावन बिहारी लाल, तनियो देर तक राम विराम देने रहिए, यह छे सबसे बड़का कलयुग। लोग कहे छे भजन कीर्तन में कलयुग कौन छी, जखनिए मोन विचलित भ जाए समझ जियो कलयुग के पदार्पण भ गए, जखनिए मोन परेशान हो जाए समझ जियो कलयुग के पदार्पण भ गए। तनी देर आर ब्रेक करिए, दोनों गोटा तेसर घंटा के पार करे वाला छी, हाँ तेसर घंटा जहाँ पुरले कि हमर अपने के विराम बुझ रही, निंद के वेला भै रही, ऐसे भी अभी मकई वाला तो काम खत्मे छे, गहूम वाला थोड़े थाक होते न, धन कटनी यार वो खत्म छे, तब तो तनी मनी खर्चा बर्चा आरो बचल छे, बस अब लिख चाल अहू लिख चाल छे, नहीं हमहू लिख चाल छे, होइए दुनू गोटा जगह एक बार उद्घोष कर लेते हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आपसे निवेदन कर रहे थे, भीष्म ने कहा, भीष्म ने कहा, माय अरे सत्संग कर ली से बड़ी भेलनी प्रभु जी को रिझाई, सत्संग कर ली सबरी भेलनी प्रभु जी को रिझाई, सत्संग कर ली सबरी भेलनी प्रभु जी को रिझाई, अरे राम द्वार पे खड़े भये हैं जुठन पर खिलाई, हाँ राम द्वार पे खड़े भये हैं जुठन पर खिलाई, राम द्वार पे खड़े भये हैं जुठन पर खिलाई, राम द्वार पे खड़े भये हैं जुठन पर खिलाई। मैया ने पूछी, बेटा सबरी कौन थी, भीष्म ने कहा, माय त्रेता में मतंग बाबा की चेली के नाम सबरी,
मैया ने पूछी, बेटा तूने अभी की कहा कि सत्संग कर ली शबरी भेलनी प्रभु जी को रिझाई। शबरी ने क्या किया? भीष्म ने कहा, माई माता शबरी ने गुरु के शरण में, सदगुरु के शरण में इतने न भाव विभोर होके भजन गाई, इतनी न भक्ति की, इतनी न श्रद्धा को एक जगह जोड़ी, इतनी न स्नेह बढ़ाई कि राम जी को शबरी खोजने नहीं गई, राम जी को शबरी खोजने नहीं गई, शबरी को खोजते खोजते राम जी पहुंच गए। भक्ति इतनी ताकतवर हुई माय, ईश्वर को भी भक्ति के सामने झुकना पड़ा। प्रकृति हार स्वीकार कर ली, प्रकृति हार गई, शबरी जीत गई। और प्रकृति हार करके शबरी के द्वार पे बोले, माय। मैया ने पूछी, बेटा शबरी कौन थी? भीष्म ने कहा, वो जात की मुसरनी थी, भेलनी थी, और वह भेलनी ने भक्ति की प्रभाव से राम को अपने बस में कर ली, अधीन कर ली। फिर मैया ने पूछी, रे अभी अभी तू बोल रहा था कि बैर खिलाई, जो ही कहे बैर खिलाई। भीष्म ने कहा, माई शबरी ने मुख से चक्कर के राम को बैर खिलाई, राम ने खाया, राम ही नहीं खाया, पूरे साधु समाज को राम ने जगा दिया कि जसन धरती पर कोई भक्तिनी है उसका नाम शबरी है, धरती पर कोई सेविका है उसका नाम शबरी है, धरती पे कोई साध्वी है उसका नाम शबरी है, धरती पे कोई योगिनी है उसका नाम शबरी है। रात 12 को पार कर गए, मैया ने कही, बेटा तूने शबरी की बात को, जीवन को, लीला को कह करके इस माय को आज तूने धन्य धन्य कर दी। गेट पर खड़ा है छोटका भाई, मैया की छोटका बेटा हाथ में तलवार लेकर के, आज भीष्म निकलेगा मेरे माय के निकट से, दो खंड कर देना है। ये 5वां वेद है जिसका दूसरा नाम महाभारत है, पहला नाम जय संहिता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 5वां वेद का नाम महाभारत है जी। रामायण वेद नहीं है लेकिन महाभारत वेद है। रामायण को वेद नहीं कहा गया है लेकिन महाभारत को वेद कहा गया है, इसमें वेद मंत्र भरा है। रामायण 7 खंड है, महाभारत 18 खंड है। 7 खंड में रामायण खत्म लेकिन महाभारत खत्म नहीं है, 18 खंड है। जो ही मैया ने कही, अभी अभी तूने बोला कि राम द्वार पे खड़े